कैब लाइट फेल होने पर कौन सा फ्यूज चेक करेंगे? तो कैब लाइट के लिए हम चेक करेंगे CCLC, तो ये है सी फोर कैब एल फोर लाइट, तो कैब लाइट का फ्यूज है CCLC। मार्कर लाइट फेल होने के लिए कौन सा फ्यूज चेक करेंगे? CCLF, ये एफ फ्लैशर और एल फोर लाइट, फ्लैशर लाइट मतलब मार्कर लाइट फेल होने पर CCLF फ्यूज चेक करेंगे। WAG5A लोगो में अंडर ट्रक में कितनी जगह तेल देखते हैं? ए में हम देखते हैं 18 जगह तेल, और WAG5H लोगो में अंडर ट्रक में कितनी जगह तेल देखते हैं? तो एच वाले में हम देखते हैं तेल 12 जगह। QOP रिले सर्किट का अर्थ फॉल्ट बताती है, तो कौन से सर्किट का अर्थ फॉल्ट बताती है ये? QOP मतलब पावर सर्किट से रिलेटेड है, तो हम कह सकेंगे ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट बताती है। ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट बताती है QOP रिले। EM कॉन्ट्रैक्टर को वेज करना सख्त मना है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है? C118 कॉन्ट्रैक्टर है। EM कॉन्ट्रैक्टर को वेज करना सख्त मना है। गियर केस में प्रयोग होने वाला लुब्रिकेंट होता है, तो गियर केस में जो लुब्रिकेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा लुब्रिकेंट हम इस्तेमाल करते हैं? उसे हम कहते हैं सर्वोकॉट। क्या कहते हैं उसको? सर्वोकॉट। QOA सर्किट का अर्थ फॉल्ट बताती है, QOA सर्किट का अर्थ फॉल्ट कौन बताती है? तो QOA सर्किट किस सर्किट का अर्थ फॉल्ट बताती है? QOA ऑक्जिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट बताती है, ऑक्जिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट बता दिया QOA। फिर है HVSI पर लगा है, HVSI पर क्या लगा हुआ है? HVSI है, ये HVSI किस पर लगा हुआ है? RSI पर लगा हुआ है HVSI। WAG5 लोको में सेंटर पीवेट पर कितना लोड आता है? तो 60% आता है सेंटर पीवेट पर, और WAG5 लोको में साइड लोड वेरियर पर कितना परसेंट आता है? साइड लोड वेरियर पर आता है 40%। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर बैटरी एंड पायलट लैंप से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि कौन सा फ्यूज मेल्ट होने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आएगा और पायलट लैंप बुझ जाएंगे? ऐसा कौन सा फ्यूज है जिसके मेल्ट होने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आएगा और पायलट लैंप बुझ जाएंगे? तो वो है एडिशनल CCBA। एडिशनल CCBA फ्यूज मेल्ट होने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आ जाएगा और पायलट लैंप बुझ जाएंगे। SON में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होता है? SON में अगर अर्थ फॉल्ट हो रहा है इसका मतलब हमारा CCLS फ्यूज मेल्ट हुआ है, सिग्नलिंग लैंप वाला। SON में अर्थ फॉल्ट होने पर CCLS फ्यूज मेल्ट हुआ है। फिर है यदि फ्यूज बार बार मेल्ट होता है तो कौन से फ्यूज किसको ऑफ करेंगे? हम हवा को ऑफ करेंगे अगर फ्यूज बार बार मेल्ट हो रहा है। CCLS फ्यूज मेल्ट होने पर कौन सी रिले है डी एनर्जाइज होती है? CCLS फ्यूज मेल्ट होने पर हम बात करें QRS रिले है डी एनर्जाइज होगी। कौन सी रिले? QRS रिले डी एनर्जाइज होगी अगर CCLS फ्यूज मेल्ट हो रहा है तो। फिर है LTPA, अर्थ होने पर कौन सा फ्यूज होल्ड नहीं होगा? अगर LTPA हमारा अर्थ होल्ड हो गया है इसका मतलब एडिशनल CCBA है, ये हमारा होल्ड नहीं होगा। संशोधित लोको में नॉच रिपीटर की को सप्लाई किसके द्वारा दी जाती है? संशोधित लोको में नॉच रिपीटर को जो सप्लाई दी जाती है वो दी जाती है TFVT CHVA के द्वारा, TFVT या CHVA के द्वारा संशोधित लोको में नॉच रिपीटर को सप्लाई दी जाती है। बैटरी चार्जर का चार्जिंग रेट एम्पियर कितना है? 2 से 7 एम्पियर, 2 to 7 एम्पियर है बैटरी चार्जर का चार्जिंग रेट। CHVA फेल होने पर कितने वोल्ट तक कार्य कर सकते हैं? अगर CHVA फेल हो गया है तो हम 85 वोल्ट तक कार्य कर सकते हैं। MCPA किसके द्वारा चला जाता है? MCPA जो हमारा कंप्रेसर है किसके द्वारा चला जाता है? वो ZCPA के द्वारा चला जाता है, ZCPA। BA सर्किट को केवल अर्थ होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होता है? BA सर्किट है इसके अर्थ होने पर एडिशनल CCBA फ्यूज मेल्ट होता है, एडिशनल CCBA BA सर्किट के अर्थ होने पर। गवर्नर के ऑपरेट होने पर LSP
LSAF लैंप, LSAF लैंप जलता है, तो कौन से गवर्नर के अर्थ ऑपरेट होने पर LSAF लैंप जलता है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं RGAF, RGAF गवर्नर के ऑपरेट होने पर LSAF लैंप जलता है। अतिरिक्त CCVA किस में लगा हुआ है? अतिरिक्त CCVA हमारा बैटरी बॉक्स नंबर 1 में लगा हुआ है। बैटरी बॉक्स नंबर 1 में अतिरिक्त CCVA लगा हुआ है। बैटरी वोल्टेज कितने वोल्ट होता है? बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो होता है 110 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, जैसे स्विच 0 पर होने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आएगा और पायलट लैंप बुझ जाएंगे, तो कौन सा स्विच 0 पर होने के बाद में न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आएगा और पायलट लैंप बुझ जाएंगे? वो है HVA। फ्यूज मेल्ट होने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आएगा और पायलट लैंप बुझ जाएंगे, कौन सा फ्यूज है वो मेल्ट होगा? तो न्यूट्रल सेक्शन के बाद पेंटो नीचे आएगा और पायलट लैंप बुझ जाएंगे, वो है CCVA, बैटरी का फ्यूज है वो। फ्यूज मेल्ट होने पर डीजे तुरंत ट्रिप होगा, पेंटो नीचे आएगा और LSGR नहीं जलेगा, LSGR भी नहीं जलेगा, तो वो कौन सा फ्यूज है? तो वह CCPT, CCPT अगर फ्यूज मेल्ट होगा तो डीजे तुरंत नीचे आएगा और LSGR भी नहीं जलेगा। डीजे क्लोज स्थिति में कौन सा फ्यूज मेल्ट होने पर बैटरी चार्ज नहीं होती? तो कौन सा फ्यूज अगर मेल्ट हो गया तो बैटरी चार्ज नहीं होगी? डीजे क्लोज स्थिति में है लेकिन अगर हमारा एडिशनल CCVA नहीं लगा हुआ है तो अभी बैटरी चार्ज नहीं होगी, अगर CCVA भी नहीं लगा हुआ है तो अभी बैटरी चार्ज नहीं होगी। मॉडिफाइड लोको में IP वॉल्व को सप्लाई कौन से फ्यूज के द्वारा दी जाती है? तो मॉडिफाइड लोको में IP वॉल्व को सप्लाई है वो CCLS लैंप के द्वारा दी जाती है, फ्यूज के द्वारा दी जाती है, CCLS फ्यूज के द्वारा। कौन सी रिले एनर्जाइज होने पर LSCHVA लैंप बुझता है? तो LSCHVA लैंप बुझता है कौन सी रिले है जिसके एनर्जाइज होने पर? तो QB61 एनर्जाइज होगी तब LSCHVA लैंप बुझता है, और QCVAR एनर्जाइज होने पर LSCHVA लैंप बुझता है। QCVAR आर्नो वाली जो रिले है वो रिले एनर्जाइज होने पर LSCHVA लैंप बुझता है। नेक्स्ट हम देखें, स्विच 0 पर रहने पर आर्नो को सप्लाई बैटरी चार्जर को नहीं मिलती है, तो वो है हमारा SCHVA, SCHVA ऑफ है 0 पर, आर्नो की सप्लाई बैटरी चार्जर को नहीं मिलती है। फिर है फ्यूज मेल्ट होने पर जूबा प्रेस करने पर बैटरी वोल्टेज नहीं दिखाएगा, कौन सा फ्यूज है मेल्ट होने पर जूबा प्रेस कर रहे हैं तब भी बैटरी वोल्टेज नहीं दिखाएगा? तो वो है हमारा एडिशनल CCVA, एडिशनल CCVA। पायलट लैंप न जलने पर कौन कनेक्शन देखना चाहिए? पायलट लैंप न जलने पर कौन कनेक्शन देखना चाहिए? तो एक कौन कनेक्शन है देखना चाहिए पायलट लैंप नहीं जल रहा है तो। पायलट लैंप न जलने पर कौन से स्विच ऑन होना सुनिश्चित करेंगे? पायलट लैंप न जलने पर ZLS और HLS स्विच का ऑन होना सुनिश्चित करेंगे, अगर पायलट लैंप नहीं जल रहा है तो हम ZLS देखेंगे, HLS देखेंगे। फ्यूज के ऑपरेट होने पर अगर ZLS है तो ZLS देखेंगे, HLS है तो HLS देखेंगे। फ्यूज के ऑपरेट होने पर LSRSI लैंप जलता है, LSRSI लैंप जलता है, तो कब जलेगा LSRSI लैंप? तो ये टेलटेल फ्यूज अगर मेल्ट हो रहा है हमारा, कौन सा टेलटेल फ्यूज मेल्ट हो रहा है तो इसके ऑपरेट होने पर LSRSI लैंप जलता है। किस रिले के पिकअप होने पर सॉन बजता है? तो कौन सी रिले है जिसके पिकअप होने पर सॉन बजता है? तो वो है हमारा Q20, Q20 रिले पिकअप होगी तो बजर बजेगा, सॉन बजेगा। नेक्स्ट हम देखें, बेबी कंप्रेसर चलाते समय बैटरी का वोल्टेज कम से कम 85 वोल्ट होना चाहिए, बेबी कंप्रेसर सेफ्टी वाल्व की सेटिंग है वो कितनी है? बेबी कंप्रेसर सेफ्टी वाल्व की सेटिंग होती है 8.5 kg/cm², और कौन सा फ्यूज मेल्ट होने पर MCPA कार्य नहीं करेगा? तो MCPA कार्य नहीं करेगा तो उसके लिए हम देखें एडिशनल CCVA फ्यूज मेल्ट हो गया है तो MCPA कार्य नहीं करेगा, और CCVA फ्यूज मेल्ट हो गया तब भी MCPA कार्य नहीं करेगा। न्यूट्रल सेक्शन के बाद डीजे लॉक होने के संकेत किस रिले के एनर्जाइज रहने से मिलता है? तो डीजे लॉक होने का संकेत है वो Q50 के एनर्जाइज रहने से मिलता है, Q50 एनर्जाइज है तो न्यूट्रल सेक्शन के बाद डीजे लॉक होने की स्थिति बनती है। नेक्स्ट हम देखें, LSDVR द्वारा लैंप को सप्लाई किस फ्यूज के द्वारा जाती है?
LHDBR लैंप को सप्लाई है वो जाती है CCLS लैंप के द्वारा, CCLS लैंप के द्वारा LHDBR लैंप को सप्लाई जाती है। बैटरी चार्जर के काम करने पर कौन सी रिले एनर्जाइज होती है? बैटरी चार्जर अगर हमारा काम कर रहा है तो हमारी QB61 रिले एनर्जाइज होगी बैटरी चार्जर काम करने पर। फ्यूज चेक करने पर यदि LECC लैंप नहीं जलता है, LECC लैंप नहीं जल रहा है तो कौन सा फ्यूज मेल्ट हो सकता है? LECC लैंप नहीं जल रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एडिशनल CCVA फ्यूज मेल्ट हो गया है अगर फ्यूज चेक करने पर LECC लैंप नहीं जल रहा है। आर्म और बैटरी चार्जर कार्य कर रहे हैं इसका संकेत कौन से लैंप से प्राप्त होता है? तो आर्म और बैटरी चार्जर कार्य कर रहे हैं इसका संकेत हमें LSCHBA से मिलता है। किसे मिलता है? LSCHBA से मिलता है। यहाँ पर हम देखें जैसे कि चलती गाड़ी में कौन सी रॉड टूटने पर पेंटो नीचे नहीं आएगा, तो हमारी अगर आईलेट रॉड है वो टूटेगी तो पेंटो नीचे नहीं आएगा। पेंटोग्राफ को नीचे आने के लिए कितना सेकंड समय चाहिए, ऊपर उठने के लिए कितना समय चाहिए? तो ऊपर उठने के लिए 10 सेकंड से कम और नीचे आने के लिए 6 से 10 सेकंड। तो पेंटोग्राफ को नीचे आने के लिए 6 से 10 सेकंड समय चाहिए और ऊपर उठने के लिए 10 सेकंड से कम समय चाहिए, 10 सेकंड से कम। हाई स्पीड लॉको में किस प्रकार का पेंटो उपयोग किया जाता है? हाई स्पीड लॉको में AM92 टाइप का पेंटो उपयोग किया जाता है। पेंटोग्राफ को ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम एयर प्रेशर, ऊपर उठाने के लिए जो न्यूनतम एयर प्रेशर चाहिए वो होता है 4.5 kg/cm². पेंटोग्राफ की लोअरिंग और राइजिंग टाइम्स किससे बदलते हैं? पेंटोग्राफ पर लोअरिंग और राइजिंग टाइम है ये थ्रोटल वॉल्व से बदलते हैं, थ्रोटल वॉल्व से बदलेंगे। IP मैग्नेट वॉल्व को डी एनर्जाइज होने पर कौन सा वॉल्व ऑपरेट होता है? ये E3W वॉल्व है, ये ऑपरेट होता है। IP मैग्नेट वॉल्व के डी एनर्जाइज होने पर E3W वॉल्व ऑपरेट होता है। HVRF स्विच दिया गया है, HVRF स्विच किसके लिए दिया गया है? HVRF स्विच दिया गया है MBRF के लिए, AC MBRF के लिए HVRF स्विच दिया गया है, AC MBRF के लिए HVRF स्विच दिया गया है। रिले ड्रॉप होने पर TFP ऑयल लेवल भी देखना चाहिए, तो कौन सी रिले ऑयल ट्रिप होगी तब TFP रिले भी हमें देखना चाहिए? तो वो है QLM रिले, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रिले है तो QLM रिले ड्रॉप होने पर TFP का ऑयल लेवल भी देखना चाहिए। सेफ्टी रिले ड्रॉप होने पर बिना रिसेट किए DJ क्लोज नहीं होगा, कौन सी रिले है इसके ड्रॉप होने पर बिना रिसेट किए DJ क्लोज नहीं होगा? तो वो है हमारी QLM रिले, इसको बिना रिसेट किए DJ ट्रिप नहीं क्लोज नहीं होगा। WAG5 लोको का स्टार्टिंग 2 मिनट के लिए कितना एम्पियर करंट है? WAG5H लोको का तो ये है 1200 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि WAG5A AVC लोको का स्टार्टिंग करंट 2 मिनट के लिए, WAG5 AVC लोको का स्टार्टिंग करंट है 2 मिनट के लिए 1100 एम्पियर है। WAG5 ABC लोको में लगातार करंट कितना है? लगातार करंट है 450 एम्पियर। WAG5H लोको में लगातार करंट कितना है? तो इसमें भी 450 एम्पियर है। WAG5 लोको में अधिकतम वोल्ट दे सकते हैं, अधिकतम वोल्टेज कितना है? 750 वोल्ट दे सकते हैं। WAG5 ABC लोको में अधिकतम वोल्ट दे सकते हैं तो यहाँ पर भी हम 700 वोल्ट देंगे। WAG5 ABC लोको में 700 वोल्ट अधिकतम दे सकते हैं। QLM रिले की सुरक्षा के लिए लगाया गया है तो ये यहाँ पर QLM रिले है, मेन ट्रांसफार्मर ट्रांसओवर करंट की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, की सुरक्षा QLM रिले मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट की सुरक्षा के लिए लगाया गया है QLM। ट्रैक्शन पावर सर्किट को अधिक वोल्टेज से सुरक्षा हेतु कौन सी रिले लगाई गई है? ट्रैक्शन पावर सर्किट को अधिक वोल्टेज की सुरक्षा के लिए Q20 रिले लगी है। कितने वोल्ट पर Q20 रिले डी एनर्जाइज, तो कितने वोल्ट पर एनर्जाइज होती है? तो डी एनर्जाइज होती है 700 वोल्ट पर और एनर्जाइज होती है 790 वोल्ट पर।
RSI यूनिट AC रिपल्स को किसके द्वारा फिल्टर किया जाता है? तो AC रिपल्स को SL के द्वारा फिल्टर किया जाता है। ड्राई सिलिका जेल का रंग जो होता है वो होता है ब्लू। SL1 में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सी रिले का डिजिट ट्रिप होगा? SL1 में अर्थ फॉल्ट है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि SL1 में अर्थ फॉल्ट है तो QOP, SL1 में अर्थ फॉल्ट है तो इसका मतलब QOP रिले DJ को ट्रिप करेगी। फिर HMCS1 को चार पोजीशन पर रखा है तो कौन सा लाइन कॉन्ट्रैक्टर ओपन होगा? 3 नंबर का लाइन कॉन्ट्रैक्टर ओपन होगा। ट्रैक्शन मोटर 6 को आइसोलेट करने के लिए HMCS2 किस पोजीशन पर होना चाहिए? तो ट्रैक्शन मोटर 6 को आइसोलेट करने के लिए HMCS2 है वो चार पोजीशन पर होना चाहिए। QLM ड्रॉप होने पर चेक करते समय तेल दिखाई देने पर लो को फेल करेंगे, कहाँ पर तेल दिखाई देगा? ऑयल ट्रैप चेंजर में तेल दिखाने पर। जैसे QLM ड्रॉप होने पर चेक करते समय कहाँ पर तेल देखेंगे? QLM ड्रॉप होने पर जैसे QLM ड्रॉप होने पर चेक करते समय कहाँ पर तेल दिखाई देने पर लो को फेल करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑयल ट्रैप चेंबर, ऑयल ट्रैप चैम्बर, ऑयल ट्रैप चैम्बर पर तेल दिखाई देने पर लोको फेल कर देंगे। मॉडिफाइड लोको में कैब नंबर 1 से TM का वोल्टेज देखते हैं। मॉडिफाइड लोको में कैब नंबर 1 से 1 और 2 ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज देखते हैं। मॉडिफाइड लोको में कैब नंबर 1 से 1 और 2 ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज देखा जाएगा। ट्रैक्शन मोटर 1 में ग्राउंड होने पर ब्लॉक सेक्शन पर पार करना चाहिए। ट्रैक्शन मोटर 1 में ग्राउंड होने पर हम HQOP1 करके ब्लॉक सेक्शन पार करना चाहिए। HQOP1 ट्रैक्शन मोटर में ग्राउंड होने पर HQOP1 करके ब्लॉक सेक्शन पार करना चाहिए। QLM रिले बार बार रीसेट किया जा सकता है जब कोई आग धुआं न हो या तेल न फैला हो। तो QLM रिले बार बार रीसेट किया जा सकता है वो है QLM रिले एक बार रीसेट किया जा सकता है जब कोई आग धुआं न हो और तेल फैला न हो। ट्रैक्शन मोटर 2 से धुआं आने पर कौन सी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करेंगे? ट्रैक्शन मोटर 2 से धुआं आ रहा है तो HMCS1 के द्वारा ट्रैक्शन मोटर को हम आइसोलेट कर देंगे। दो ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप में करंट डिफरेंस होने पर ऑटो रेग्रेशन आता है। कितना करंट डिफरेंस होना चाहिए? 160 एम्पियर का करंट डिफरेंस है तो ऑटो रेग्रेशन आएगा। वीवी बॉक्स में फीचेट की निकालने पर क्या लॉक हो जाता है? वीवी बॉक्स में फीचेट की निकालने पर हैंडल यानी कि होम हैंडल लॉक हो जाता है। होम हैंडल लॉक हो जाता है वीवी बॉक्स में। वीवी बॉक्स से फीचेट की निकालने पर होम हैंडल लॉक हो जाता है। फिर है TFP1 से 3600 एम्पियर करंट लेने पर कौन सी रिले एनर्जाइज हो जाएगी? TFP1 से 3600 एम्पियर करंट लेने पर QRSI रिले है एनर्जाइज हो जाती है। TFP1 से 3600 एम्पियर करंट लेने पर कौन सी रिले एनर्जाइज हो जाएगी? QRSI रिले एनर्जाइज हो जाएगी। मॉडिफाइड लोको में कैब नंबर 1 में कौन सी ट्रैक्शन मोटर को करंट देखते हैं? मॉडिफाइड लोको में कैब नंबर 1 में हम 3 ट्रैक्शन मोटर का करंट देखते हैं। मॉडिफाइड लोको में कैब नंबर 2 में कौन सी ट्रैक्शन मोटर का करंट देखते हैं? तो मॉडिफाइड लोको कैब नंबर 2 में हम देखें कैब नंबर 2 के अंदर हम 4 ट्रैक्शन मोटर का करंट देखते हैं। 4 ट्रैक्शन मोटर का करंट देखते हैं। ET2 किसकी सुरक्षा करता है? जैसे ET1 ET2 होता है तो ET2 हमारी सुरक्षा करता है रूफ इक्विपमेंट की। रूफ इक्विपमेंट की सुरक्षा करता है। मॉडिफाइड लोको में कैब नंबर 2 में कौन सी ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज देखते हैं? कैब नंबर 2 में हम 5 और 6 ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज देखते हैं। किस स्विच को ऑफ करने से QOP1 रिले आइसोलेट होगी? तो यहाँ पर HQOP1 स्विच को ऑफ करने पर QOP रिले 1 आइसोलेट होगी। HQOP1 स्विच को ऑफ करने से QOP1 रिले है वो आइसोलेट होगी।
कॉन्ट्रैक्टर C145 के लिए लगाया गया है, कॉन्ट्रैक्टर C145 के लिए लगाया गया है, रिओस्टेटिंग ब्रेकिंग के लिए, रिओस्टेटिंग ब्रेकिंग के लिए लगाया गया है। RERHEOSTATIS रिओस्टेटिंग ब्रेकिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्टर C145 रिओस्टेटिंग ब्रेकिंग के लिए लगाया गया है। पूरा वोल्टेज देने के बाद लोको की स्पीड बढ़ाने के लिए कितना नॉच लेते हैं? पूरा वोल्टेज देने के बाद लोको की स्पीड बढ़ाने के लिए ये हम शंटिंग नॉच लेते हैं, शंटिंग नॉच लेते हैं, शंटिंग नॉच लेते हैं। पूरा वोल्टेज देने के बाद लोको की स्पीड बढ़ाने के लिए शंटिंग नॉच लेते हैं। DVR के समय DJ ट्रिप होने पर किस वाल्व के द्वारा ट्रेन ब्रेक लगते हैं? DVR के समय DJ ट्रिप होने पर हम E3W, IP और E3W वाल्व के द्वारा ट्रेन ब्रेक लेते हैं। IP और E3W, IP एंड E3W। DVR के समय DJ ट्रिप होने पर IP और E3W वाल्व के द्वारा ट्रेन ब्रेक लेते हैं। HQOP1 ऑफ रहने पर QRSI1 ड्रॉप होने पर किस स्विच से ग्रुप आइसोलेट करना चाहिए? HQOP1 ऑफ रहने पर QRSI1 ड्रॉप होने पर कौन से स्विच से ग्रुप आइसोलेट होना चाहिए? वो है हमारा HVSI1, HVSI1 से स्विच से ग्रुप से आइसोलेट होना चाहिए। HQOP2 ऑफ रहने पर QRSI2 ड्रॉप होने पर कौन से स्विच से ग्रुप आइसोलेट करना चाहिए? तो कौन से स्विच से ग्रुप आइसोलेट करना चाहिए वो है हमारा HVSI2, HVSI2। HQOP2 ऑफ रहने पर QRSI2 ड्रॉप होने पर हम HVSI2 स्विच से ग्रुप को आइसोलेट कर देंगे। RSI ब्लॉक 1 से वन लाइन से दो डेल्टा फ्यूज ऑपरेट होने पर ट्रैक्शन मोटर नंबर कौन सी को आइसोलेट करना चाहिए? ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 को आइसोलेट करना चाहिए अगर लाइन 1 से है। RSI 1 ब्लॉक में, RSI 2 ब्लॉक में लाइन 1 से दो टेल फ्यूज ऑपरेट होने पर कौन सी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करना चाहिए? तो यहाँ पर हम 5 नंबर की जो ट्रैक्शन मोटर, 6 नंबर की जो ट्रैक्शन मोटर है उसको आइसोलेट करेंगे, 6 नंबर के ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर देना चाहिए। ऑयल ट्रैप चेंजर में तेल के साथ किसका टारगेट गिरता है? ऑयल ट्रैप चेंजर में तेल के साथ QLM का टारगेट गिरता है। HMCS1 की पोजीशन Q48 बाईपास रहता है। HMCS1 की पोजीशन, HMCS1 की पोजीशन में हम देखें 3 और 4 पोजीशन पर Q48 बाईपास रहता है। फिर है HMCS2 की पोजीशन पर Q48 बाईपास रहता है। HMCS2 की पोजीशन पर हम देखें 2 और 3 पोजीशन पर Q48 बाईपास रहता है। MPS वर्किंग वाले लोगों में कैब नंबर 1 से ZQWC ऑन करने पर शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होते हैं। शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हमारे 13, 23, 43, S13, S23, S43 ये शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होते हैं MPS वर्किंग वाले लोगों में कैब नंबर 1 से ZQWC ऑन करते हैं। तो 13, 23, 43, S13, 23, 43, S13, S23, S43 और 13, 23, 43 इधर होंगे S में। फिर हम बात करें MPS वर्किंग लोको में कैब नंबर 2 से ZQWC ऑन करने पर कौन से शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होते हैं? तो इधर हमारे कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होते हैं S63, S53, S33, 63, 53, 33। मेटल आउट प्रकार की ट्रैक्शन मोटर से उनमें होता है। मेटल आउट है ये, यहाँ पर हमारा होता है टाउ, टाउ प्रकार की TM मोटर में मेटल आउट होता है। शंटिंग नॉच के समय किसके जर्क को टाला जाता है? शंटिंग नॉच के समय हम SJ के द्वारा जर्क को टाला जाता है। किसके द्वारा? SJ के जर्क को शंटिंग नॉच के समय टाला जाता है। में घुमाने के बाद भी LSV की बत्ती नहीं बुझती है तो रिले पिकअप नहीं होती है। यदि रिवर्सर को FR में घुमाने के बाद भी LSV की बत्ती नहीं बुझती है तो कौन सी रिले पिकअप नहीं होती है? तो वो है हमारी रिले Q50, Q50 रिले पिकअप नहीं होती है। Q50 बेज होने पर लैंप बुझा रहता है। Q52 रिले बेज रहने पर हमारा LSV लैंप बुझा रहता है।
तो इससे पता चल जाएगा Q50 हमारी वेज है। फिर हम देखें जैसे कि कौन सी रिले बेज रहने पर DVR का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Q50 रिले बेज है तो DVR का प्रयोग नहीं करना चाहिए। DVR के समय वॉल्व के द्वारा कंजक्शन ब्रेकिंग रोका जाता है, तो वो है हमारी VEF वॉल्व के द्वारा DVR के समय कंजक्शन ब्रेकिंग को रोका जाता है। CTF 123 के ब्रेकिंग में जाने से कॉन्ट्रेक्टर क्लोज होते हैं। CTF 123 के ब्रेकिंग में जाने से हमारा C145 कॉन्ट्रेक्टर है वो क्लोज होता है। कर्सन मोटर का आइसोलेशन चेंज करने के लिए कौन सा प्रोग्राम स्विच है? कर्सन मोटर का आइसोलेशन चेक करने के लिए HMCS 102 प्रोग्राम स्विच है। HMCS 1/2 ये है कर्सन मोटर का आइसोलेशन चेंज करने के लिए HMCS 1/2 प्रोग्राम स्विच है। IPS की सुरक्षा के लिए कौन सा फ्यूज़ लगाया गया है? IPS की सुरक्षा के लिए यहाँ पर CCRPS फ्यूज़ लगाया गया है। IPS की सुरक्षा के लिए CCRPS फ्यूज़ लगाया गया है। DVR के दौरान QVRF में खराबी की वजह से कौन से लैंप नहीं बुझता है? DVR के दौरान QVRF में खराबी की वजह से LSDVR लैंप नहीं बुझता है। LSDVR तो DVR के दौरान QVRF में खराबी की वजह से LSDVR लैंप नहीं बुझता है। C145 की कॉइल में शॉर्ट सर्किट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होता है? C145 की कॉइल में शॉर्ट सर्किट होने पर CCPT फ्यूज मेल्ट होता है। CCPT C145 की कॉइल में शॉर्ट सर्किट होने पर CCPT फ्यूज मेल्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होने पर ATFEX सर्विस में आता है। कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होने पर ATFEX सर्विस में आता है तो वो है हमारा C145। C145 कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होने पर ATFEX सर्विस में आता है। तो ये यहाँ पर हम देखें जो C145 है, C145 कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होने पर ATFEX सर्विस में आता है। MP को P पे रखने पर कौन सा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है? MP को P पर रखने पर C145 पिकअप होता है। C145 ये पिकअप होता है MP को P पर रखने पर। HVA को 1 पर रखने पर CCPT मेल्ट होने पर इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। HVA को 1 पर रखने पर CCPT मेल्ट होने पर यहाँ पर Q118 और IP में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। Q118 एंड IP तो HVA को 1 पर रखने पर CCPT मेल्ट होने पर Q118 और IP में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यदि VEF में अर्थ फॉल्ट है तो PVEF प्रेस करते हैं तो कौन सा फ्यूज मेल्ट होता है? अगर VEF में अर्थ फॉल्ट है और PVEF प्रेस करते हैं इसका मतलब CCPT फ्यूज मेल्ट है। DVR के दौरान कौन से लोको ब्रेक नहीं लगने चाहिए? DVR के दौरान है SA9 लोको ब्रेक नहीं लगने चाहिए। MBRF और QBRF में खराबी की वजह से छठवें नोज पर रिले के द्वारा रिग्रेशन आता है। MBRF इसे MBRF और QBRF में खराबी की वजह से छठवें नोज पर Q50 रिले के द्वारा रिग्रेशन आता है। HQOP1 को ऑफ करने के बाद कौन सा रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़ जाता है? HQOP1 को ऑफ करने के बाद में यहाँ पर RQOP1 रेजिस्टेंस में जुड़ जाता है। QE के ऑपरेट होने पर कौन सा लैंप जल करके रिग्रेशन आता है? QE के ऑपरेट होने पर LSV लैंप जल करके रिग्रेशन आता है। फिर रूफ माउंटेड DVR लोको में 16वें नॉच पर कौन से रिले के द्वारा रिग्रेशन आता है? 16वें नॉच पर Q51 के द्वारा। रूफ माउंटेड DVR लोको में 16वें नॉच पर Q51 के रिले के द्वारा आता है रिग्रेशन आता है। QVRF का स्विच से बाईपास किया जाता है। QRF स्विच को हम बाईपास करते हैं HQVRF से। DVR के समय OHE ट्रिप होने पर वॉल्व के ऑपरेट होने से इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं तो कौन सा वॉल्व ऑपरेट होगा? E3W वॉल्व के ऑपरेट होने से इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं। फिर पेंटोग्राफ रेज न होने पर कौन सा फ्यूज हम चेक करेंगे? पेंटोग्राफ अगर रेज नहीं हो रहा है तो हम CCVA और CCPT फ्यूज चेक करेंगे। फिर MP को P पर रखने पर यदि VEF में अर्थ फॉल्ट है तो कौन सा फ्यूज मेल्ट करेंगे? VEF में अर्थ फॉल्ट है तो हम CCA फ्यूज मेल्ट करेंगे। MP को P पर रखने पर यदि VEF में अर्थ फॉल्ट है तो कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? CCA फ्यूज मेल्ट होगा।
HMCS 1-2 की पोजीशन पर C145 क्लोज होता है। HMCS 1 और 2 की पोजीशन पर C145 क्लोज होता है। QF 1 और 2 के ऑपरेट होने पर कौन सा लैंप जल करके रिग्रेशन आता है? तो वो है हमारा LSV लैंप जल करके रिग्रेशन आता है। C108 कॉन्टैक्टर को कौन से फ्यूज के द्वारा सप्लाई दी जाती है? C108 कॉन्टैक्टर को यहाँ पर CCPT फ्यूज के द्वारा सप्लाई दी जाती है। ACMBRF के लिए कौन सा कॉन्टैक्टर लगा है? ACMBRF के लिए C108 कॉन्टैक्टर लगा है। फिर है WAG 7 लोको में DVR के समय अधिकतम जनरेटिंग करंट है वो 850 एम्पियर है। रूफ माउंटेड DVR आदि लोको में अधिकतम नॉच ले सकते हैं, अधिकतम नॉच 15 नॉच हम ले सकते हैं। QEOP12 पोजीशन में DVR का प्रयोग नहीं करना चाहिए। QEOP12 पोजीशन में DVR का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो वो है हमारा ऑफ पोजीशन पर। QEOP1 और 2 ऑफ पोजीशन पर DVR का प्रयोग नहीं करना चाहिए। C108 में EM कॉन्ट्रेक्टर को सप्लाई देता है। C108 में ACMBRF को सप्लाई देता है। फिर है थ्री फेज MBRF लोको में कौन सा स्विच लगा होता है? थ्री फेज MBRF लोको में यहाँ पर HVRF स्विच लगा होता है। C108 कॉन्ट्रेक्टर में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? C108 में अर्थ फॉल्ट होने पर CCPT फ्यूज मेल्ट होगा। C108 क्लोज न होने पर MBRF को कहाँ पर रखना चाहिए? C108 क्लोज न होने पर MBRF को 0 पर रखना चाहिए। थ्री फेज MBRF के काम नहीं करने पर HRF को हम 0 पर रखेंगे। Q44 में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? Q44 में अर्थ फॉल्ट होने पर हमारा जो है CCPT फ्यूज मेल्ट होगा। CCPT EVPSGR में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? EVPSGR में अर्थ फॉल्ट होने पर CCPT फ्यूज मेल्ट होगा। QRSI रिले किस उपकरण की सुरक्षा करती है? QRSI रिले हमारी RSI उपकरण की सुरक्षा करती है। DVR के समय SE9 से लॉको ब्रेक लगाने पर किसके द्वारा Q50 रिले डीएनर्जाइज जाती है? तो वो है हमारी SWC के द्वारा Q50 रिले डीएनर्जाइज जाती है। कैब फॉरवर्ड से कार्य करते समय J1 और J2 का हैंडल किस तरफ होना चाहिए? J1 और J2 का हैंडल डाउन की तरफ होना चाहिए। स्विच को ऑफ करने से QOP रिले आइसोलेट होगी। स्विच को ऑफ करने से QOP रिले आइसोलेट होगी। वो है हमारी HQOP2। HQOP2 स्विच को ऑफ करने से QOP रिले आइसोलेट होगी। HQOP2 रिले आइसोलेट होगी। उसके बाद में है कि यदि हमारा रिवर्स है 62 दिशा में घूमने के बाद भी LSV की बत्ती नहीं बुझती है, तो इसका अर्थ है कौन सी रिले पिकअप नहीं हुई है? इसका अर्थ है कि हमारी Q50 रिले पिकअप नहीं है। RSI 2 ब्लॉक में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सी रिले ड्रॉप होगा? RSI 2 ब्लॉक में अर्थ फॉल्ट होने पर QOP 2 रिले पिकअप होगा या QOP 2 रिले ड्रॉप होगा। फिर हम देखें कि जैसे जो DVR है माउंटेड रूफ माउंटेड, तो रूफ माउंटेड DVR लोको में जिसने MBRF लगा है, रूफ माउंटेड DVR लोको में जिसमें MBRF लगा है, जनरेटिंग करंट कितनी होती है? उसमें जनरेटिंग करंट होती है 900 एम्पीयर। फिर हम देखें कि QWC लोको में QWC रिले विल बी सर्विस अप टू नॉच इन WAG 5 लोको। WAG 5 में QWC रिले है वो कौन से नॉच पर ऑपरेट होती है? वो 15वें नॉच पर ऑपरेट होती है लोको 5 में। फिर है GR को CGR के बीच लगाया जाता है। किसके बीच में लगाया जाता है? GR को। तो GR को हम लगाते हैं 2 और 3 CGR के बीच में लगाते हैं GR को। फिर है MBR, ये है हमारा कि SVRF MBRF है, MBRF एंड QVRF। MBRF एंड QVRF एक सी खराबी की वजह से 6वें नॉच पर कौन सी रिले डीएनर्जाइज होगी? वो है Q50 रिले डीएनर्जाइज होगी।